हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। और आज बात करेंगे IBPS SO राजभाषा के लिए इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। इससे पहले आप दो परीक्षाएं पास कर चुके हैं और अब समय आता है साक्षात्कार का। साक्षात्कार किसी भी व्यक्ति की योग्यता का सही आकलन करने के लिए परीक्षा के अंत में आयोजित किया जाता है और इस माध्यम से उस व्यक्ति की सोचने समझने से लेकर व्यक्तित्व योग्यता का भी आकलन किया जाता है। कई बार साक्षात्कार देने में अभ्यर्थी परेशानी महसूस करते हैं और अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। तो आइए जानते हैं IBPS SO राजभाषा के साक्षात्कार के लिए आप अपनी तैयारी किस प्रकार से करेंगे। साक्षात्कार के लिए सबसे पहले तो आप अपना आत्मविश्वास ना खोएं, अर्थात अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बना के रखें। आपकी प्रतिभा, आपका उठना बैठना चलना सब कुछ कॉन्फिडेंस पर ही निर्भर करती है, इसीलिए साक्षात्कार के लिए आत्मविश्वास बहुत आवश्यक है। इसलिए जब भी आप कक्ष में प्रवेश करें उस समय आप आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो, सकारात्मक बने रहें, अर्थात पॉजिटिव रहें, नर्वस बिल्कुल भी ना हो। आपको बस यह समझना चाहिए कि साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति भी आपकी तरह ही एक साधारण मनुष्य है, बस आपके ज्ञान स्तर से उसका ज्ञान स्तर अधिक है और आपको अपने ज्ञान स्तर का प्रयोग करते हुए उनको प्रभावित करना है। इसलिए आप डर और घबराहट, बेचैनी जैसी जो मानसिक स्थितियां हैं उन सबको बिल्कुल बाहर निकाल दीजिए और असफलता से बिल्कुल भी नहीं डरिए। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण तथ्य है, आप इंटरव्यू का अभ्यास करिए। आप अपने घर पर भी इंटरव्यू का अभ्यास कर सकते हैं, अपने छोटे भाई बहनों से, अपने कलीग के साथ बैठ करके उनसे कह सकते हैं कि आपसे वो कुछ प्रश्न पूछें और आप उनका उत्तर दें। इसके अतिरिक्त आप आई एग्जाम बी के साथ भी जुड़ सकते हैं जहां हम इंटरव्यू की प्रॉपर गाइडेंस देते हैं। तो आप इंटरव्यू का अभ्यास करते रहिए, साथ ही अनुभवी लोगों से सलाह लीजिए। पिछली परीक्षाओं में जो लोग बैठे हैं, जिन लोगों ने परीक्षा पास करी है, आप उनसे सलाह लीजिए किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, किस तरीके का पैनल होता है इंटरव्यू का। तो इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं वो अनुभवी लोग आपसे साझा कर सकते हैं, तो आप उनसे भी सलाह लेते रहें। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि संबंधित संस्थान के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें। आप जहां भी साक्षात्कार देने जा रहे हैं उस संस्थान के बारे में आपको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस संस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट को खोलिए और उसके लोगों को देखिए, वहां पे क्या दिया हुआ है, उसके इस समय डायरेक्टर कौन है और कौन फाउंडर मेंबर था। तो इस तरीके की जो जानकारी है आप संबंधित संस्थान के बारे में पूर्ण रूप से प्राप्त करिए। समय से पहले पहुंचिए, अगर आप देर से पहुंचे तो आपके दस्तावेज जो चेक किए जाते हैं उसका भी समय निकला जाता है। इसलिए समय से पहले पहुंचे, अपने दस्तावेजों को पूर्ण रखें, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहां पर चेक किए जाते हैं, तो उन दस्तावेजों को, डॉक्यूमेंट्स को आप पूर्ण रखिए। अंत में वेशभूषा का चयन उपयुक्त तरीके से करें। आप साधारण वेशभूषा का चयन कर सकते हैं, हल्के रंगों के कपड़ों का चयन कर सकते हैं, जो वस्त्र आपके लिए आरामदायक है उन वस्त्रों का आप उपयुक्त रूप से चयन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको आत्मविश्वास नहीं खोना है। साक्षात्कार समिति का प्रत्येक सदस्य आपके आत्मविश्वास को बहुत ही गौर से आकलन करते हैं और आत्मविश्वास ही आपकी प्रतिभा को भी प्रदर्शित करता है। इसलिए बिल्कुल घबराएं नहीं, सकारात्मक बने रहें। कुछ सामान्य प्रश्न आपसे साक्षात्कार में पूछे जाते हैं, जो कि लगभग सभी साक्षात्कार में पूछे जाते हैं। कक्ष में जाते ही पहले आपसे आपका परिचय पूछा जाता है, तो कक्ष में प्रवेश करने से पहले आप अनुमति लीजिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। उसके पश्चात आप सभी का अभिवादन कीजिए, मुस्कुराते हुए अभिवादन कीजिए और उसके बाद जैसे ही आपसे पूछा जाता है अपना परिचय दीजिए। आप बहुत ही संयत शब्दों में अपना परिचय देने का प्रयास कीजिए। इसके लिए आप बता सकते हैं आपका नाम क्या है, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है, आप कहाँ के निवासी हैं, आपकी रुचियाँ क्या हैं, ये सब आप अपने परिचय में दे सकते हैं। इसके पश्चात आपसे पूछा जा सकता है आपकी रुचियां क्या हैं, तो इसमें भी आपको घबराना नहीं है। यदि आपको पुस्तक पढ़ना पसंद है या आपको
किसी प्रकार की विशेष आर्ट बनाना पसंद है तो आप उनको उसका परिचय दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी आपको अपडेट रहना है। यदि आप पुस्तक पढ़ने के शौकीन हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि वर्तमान में कौन सी पुस्तक प्रसिद्ध हो रही है, कौन से लेखक ने कौन सी पुस्तक लिखी है, जो भी आपने पिछली पुस्तक पढ़ी है उसमें ऐसी क्या बात कही गई थी जिसने आपको प्रभावित किया। तो इस तरह से आपको अपने रुचियों को भी अपडेट करना है। इससे पहले हमने बात करी थी कि संस्था के विषय में पूछा जाता है, तो आपसे भी पूछा जा सकता है, चूंकि IBPS SO राजभाषा का इंटरव्यू है तो आपसे पूछा जा सकता है कि आप IBPS के विषय में क्या जानते हैं। तो इसके लिए आपको IBPS की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन है, और इसके जो फाउंडर थे वे AS देश पांडे जी थे, और ये 1975 में इसकी नींव रखी गई थी। इसका आपसे लोगो पूछा जा सकता है, इसका लोगो प्रज्ञा विभावनम है। साथ ही यहाँ पर एक वाक्य चलता है जो कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में चलता है, इंग्लिश में लिखा हुआ आता है इन असेसमेंट इंडिया ट्रस्ट अस, और हिंदी में लिखा जाता है असेसमेंट के लिए हम पर भरोसा रखता है भारत। तो इस तरह के प्रश्न भी आपसे IBPS के विषय में पूछे जाते हैं, तो आप IBPS की वेबसाइट को खोल करके और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपके नाम का कोई विशेष अर्थ है तो वह भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इस विषय में भी आप अपडेट रहिए। एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछा जाता है वह है, आप राजभाषा अधिकारी क्यों बनना चाहते हैं, क्यों आप इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, ये आपसे जरूर पूछा जाता है। तो इसके लिए भी आप एक अच्छा सा उत्तर खोजने का प्रयास कीजिए जो सभी सदस्यों को प्रभावित करे। एक अन्य प्रश्न, आप राजभाषा अधिकारी बनकर हिंदी भाषा के संवर्धन के लिए क्या करेंगे, क्योंकि हिंदी हमारी राजभाषा है और आप राजभाषा अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए कि राजभाषा अधिकारी के क्या क्या कार्य हैं। और राजभाषा अधिकारी आप बन जाते हैं तो हिंदी भाषा के विकास के लिए आप क्या करेंगे, तो आपको ऐसे कुछ कार्य सोचने होंगे जो कि सभी सदस्यों को प्रभावित करें। एक मुख्य प्रश्न, राजभाषा अधिकारी के रूप में हम आपकी ही नियुक्ति क्यों करें, यह प्रश्न तो आप किसी भी साक्षात्कार में जाते हैं वहाँ आपसे पूछा ही जाता है कि हम आपकी ही नियुक्ति क्यों करें। तो ऐसी स्थिति में आप बताएं कि आपको जो कार्य आता है उसकी संस्थान में आवश्यकता है, आप अपना अनुभव कंपनी के साथ साझा कर सकते हैं। यदि आपको अनुभव नहीं है तो आप बताइए कि आप यहाँ पर रह करके बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, आपने जो पढ़ाई करी है उसके बारे में परिचय दीजिए और सकारात्मक ही परिचय दीजिए। कुछ और प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जैसे आप अपनी पिछली नौकरी क्यों छोड़ना चाहते हैं, यदि आप ऑलरेडी एक सरकारी ऑफिसर हैं और IBPS में आना चाहते हैं तो वहाँ पर आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि आप अपनी पिछली नौकरी को क्यों छोड़ना चाहते हैं। तो इसके लिए भी आप सकारात्मक उत्तर दीजिए, पिछली नौकरी में यदि कोई परेशानी हो तो भी उसको उस प्रकार से नहीं बयान कीजिए जिससे वो नकारात्मक प्रभाव छोड़े, सकारात्मकता के साथ इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसके अतिरिक्त यह भी पूछा जा सकता है, आपने इसके अतिरिक्त और कौन सी परीक्षाएं दी हैं और किस किस में आप सफल हुए हैं, और यदि आप सफल नहीं हुए हैं तो क्यों नहीं हो पाए। इस प्रकार के प्रश्न जो सामान्य प्रश्न होते हैं वे प्रत्येक साक्षात्कार में पूछे ही जाते हैं, तो ये सामान्य प्रश्नों को आप विशेष रूप से तैयार कीजिए क्योंकि यहीं पर आप सभी सदस्यों को प्रभावित कर सकते। अब राजभाषा से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सबसे पहला प्रश्न तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजभाषा से आप क्या समझते हैं। तो इसके इन दो प्रश्नों के लिए, राजभाषा से आप क्या समझते हैं और हिंदी राजभाषा है अथवा राष्ट्रभाषा, इन दो प्रश्नों का उत्तर आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए कि राजभाषा क्या है, हिंदी हमारी राजभाषा है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बन सकी। तो इन दो प्रश्नों का उत्तर भी आप बेहतरीन तरीके से तैयार कीजिए। इसके अतिरिक्त आपसे पूछा जा सकता है, राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसलिए आप ये भी जरूर देख के जाइए कि राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये पूछा जाता है।
फिर किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा की घोषणा की गई थी? तो अनुच्छेद 345 आप पढ़ लीजिए बहुत अच्छी तरीके से, साथ ही आप राजभाषा संबंधित सभी प्रावधान अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक सभी अनुच्छेदों को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िए। फिर संविधान में राजभाषा संबंधी कौन कौन से प्रावधान है यह पूछा जा सकता है। देवनागरी लिपि जो कि हिंदी भाषा की लिपि है, जैसा कि अनुच्छेद 343 में भी कहा गया है, तो ये भी एक प्रश्न बन सकता है कि कहाँ पर यह बात कही गई है। तो अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा की लिपि को बताया गया है, तो इससे संबंधित भी इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है कि देवनागरी लिपि को ही हिंदी की मानक लिपि के रूप में क्यों स्वीकार किया गया। साथ ही लिपि और बोली में अंतर पूछा जा सकता है, तो ये तो बहुत स्पष्ट है किस प्रकार का आपको उत्तर देना है। अंत में आपसे पूछा जा सकता है राजभाषा अधिकारी के कार्य होते हैं, तो इसके लिए भी आप राजभाषा अधिकारी के कार्यों का अच्छी तरीके से अध्ययन कीजिए। और क्या नए कार्य राजभाषा अधिकारी के रूप में आप कर सकते हैं आप तैयार कीजिए। इसके अतिरिक्त पूछा जा सकता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, साथ ही हिंदी दिवस मनाने की क्या प्रासंगिकता है। यदि हिंदी हमारी राजभाषा है, हिंदी हमारे देश में सबसे अधिक बोली जाती है, तो फिर हम हिंदी दिवस क्यों मना रहे हैं, यह प्रश्न भी अधिकांश पूछा गया है। तो बैंक में राजभाषा अधिकारी की जरूरत क्यों है, तो इसका उत्तर भी आप बहुत अच्छे से दे सकते हैं कि बैंक के कार्यों में हिंदी भाषा की आवश्यकता बहुत अधिक महसूस की जाती है, इसीलिए वहाँ पर एक राजभाषा अधिकारी की नियुक्ति की जाती है जिससे कि सभी वर्गों के लोग बैंक की सुविधाओं का लाभ उठा सके। इसके साथ ही शब्दों के हिंदी अर्थ भी परीक्षा में पूछे गए हैं। अभी जो PFRDA का इंटरव्यू हुआ था वहाँ पर कुछ शब्द पूछे गए थे, जैसे कि प्राधिकृत का अंग्रेजी में क्या अर्थ है, तो ऑथराइज्ड होता है, न्यायपीठ का अर्थ क्या है, बेंच होता है, तो इस तरह के प्रस्ताव को क्या बोलते हैं, पर प्रस्ताव को प्रपोजल बोला जाता है, प्रीएम्बल क्या होता है, तो इस तरीके के जो हिंदी शब्द है उसका अंग्रेजी अर्थ और अंग्रेजी शब्दों के हिंदी अर्थ पूछे गए हैं। वाक्य त्रुटि के प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, एक अंग्रेजी का वाक्य आपको दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है कि इस वाक्य में क्या गलती है, क्या त्रुटि है वह बताइए। साथ ही राजभाषा नियम 1976 को समझाइए, राजभाषा पुरस्कार योजना क्या है, तो राजभाषा गौरव पुरस्कार, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दोनों आपको अच्छे से पता होने चाहिए। फिर किसी भी प्रदेश की राजभाषा आपसे पूछी जा सकती है, जो कि अभी भी पूछी गई थी, नाबार्ड में भी पूछी गई थी और PFRDA में भी, ये दो प्रश्न जरूर पूछे गए थे, क वर्ग, ख वर्ग और ग वर्ग के क्षेत्र समझाइए, तो इसमें भी आपको पता होनी चाहिए कि कौन से राज्य की कौन सी राजभाषा है। इस प्रकार से ये सब तो राजभाषा से संबंधित प्रश्न थे, साथ ही हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य के प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। हिंदी व्याकरण में क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम इन सब से संबंधित भी प्रश्न पूछे गए हैं और हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न, जैसे भक्ति काल के प्रमुख कवि कौन से हैं, आपके प्रिय कवि कौन से हैं, या आपने हिंदी गद्य किनका सबसे अच्छा माना जाता है, तो इस प्रकार से हिंदी साहित्य के भी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आपको राजभाषा से संबंधित विषयों का अध्ययन तो करना ही है, जो कि आपका ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, क्योंकि आपने अभी मुख्य परीक्षा दी है, तो आपको उसकी सिर्फ पुनरावृत्ति करनी है, लेकिन आपको हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य भी अच्छी तरीके से पढ़ना आवश्यक है। अंत में सिर्फ 4 लाइन से अपनी बात समझाऊंगी, अपना मूल्य समझिए और विश्वास कीजिए कि आप संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। तो हमारी कामना है कि आप साक्षात्कार में सफल हुए। आप साक्षात्कार के टिप्स के लिए या साक्षात्कार की गाइडेंस के लिए IExamB का चयन कर सकते हैं और हमारे मार्गदर्शन में परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। आपकी आगामी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं।